हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँचाए। बात करेंगे अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स की। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिल रही है। भले ही वो स्टॉक ACC हो 2% अप है, अडानी एंटरप्राइजेज 4% की तेज़ी, अडानी ग्रीन में 7%, अडानी पोर्ट्स 3%, अडानी पावर अगर बात करें तो 6.5% है, अडानी टोटल गैस 3.5%, अडानी ट्रांसमिशन 4.42%, अडानी विलमार 4.83, अंबुजा सीमेंट्स 1.71 और NDTV की बात करें तो 2%। तो सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं अडानी ग्रुप के वो आज के दिन में पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, किसी भी स्टॉक के अंदर करेक्शन नहीं देखने को मिल रही है। अब इस तेजी के पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। पहले अपडेट की बात करें तो देखिए, अडानी पावर शेयर्स इन फोकस आफ्टर प्रमोटर ऑफलोड 8.1% स्टेक टू GQG पार्टनर्स एंड अदर्स। तो यानी कि रिसेंटली जो है अडानी पावर के अंदर हमें 8% स्टेक जो है यहाँ पे सेल करते दिखे थे कौन, प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स ने सेल क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे US की एक बड़ी फर्म है GQG जिसने 8.1% स्टेक जो है अडानी पावर के अंदर खरीद लिए हैं। और ऐसे में अगर बात करें ऑलमोस्ट जो ये डील रही थी 1.1 बिलियन के आसपास की रही थी। GQG पार्टनर्स पिक अप 31.2 करोड़ शेयर्स वर्थ ऑफ 9,000 करोड़। अगर डॉलर्स की बात करें तो $1 बिलियन के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट था, और इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो 9,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट जो है GQG पार्टनर्स की तरफ से अडानी पावर में हमें देखने को मिली। यानी कि 31 करोड़ शेयर्स जो हैं वो अडानी पावर के अंदर उन्होंने खरीद लिए हैं। अब ऐसे में यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि प्रमोटर्स ने भले ही 8% स्टेक सेल जरूर किए हैं लेकिन उसके बाद जो है एक अच्छा मोमेंटम अडानी पावर में देखने को मिल चुका है। दूसरे अपडेट की बात करें तो देखिए, अडानी ग्रुप मार्केट कैपिटलाइजेशन एट 6 मंथ हाई। यानी कि जो फरवरी महीने में अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, अब उस फरवरी में जो था उसके बाद अब 6 महीने बाद जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अडानी ग्रुप का वो पीक पे है। और टाका के साथ में ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन डॉलर की जो डील हो रही है उसको लेकर टाका सेज नो ट्रूथ टू डील विद ग्रुप। तो अभी कोई भी ट्रूथ यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप देखेंगे ऑल 10 अडानी ग्रुप कंपनीज, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स जितनी भी हैं वो यहाँ पे शार्प सर्ज के अंदर देखने को मिल रही हैं फ्राइडे यानी कि आज के दिन में। द सर्ज हैज़ टेकन द ग्रुप्स ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बैक अबव द ₹11 लाख करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फरवरी दिस ईयर। तो अभी जो है अडानी ग्रुप का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 11 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है फरवरी महीने के बाद, ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है। अडानी ग्रुप कंपनीज लाइक अडानी एंटरप्राइजेज, पोर्ट्स एंड अदर आर ट्रेडिंग विद गेन्स बिटवीन 3-10% इन ए सडन सर्ज। और इसके पीछे ये जो इन्वेस्टमेंट आई है आबू धाबी से जो इन्वेस्टमेंट आई है उसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स पे हमें अडानी ग्रुप के सभी पे देखने को मिल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3-4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और साथ में स्टॉक्स से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिस पर मैं डेली 1-2 डेमो कॉल देता हूँ। इस 1-2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें देखिए अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन सबके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी रैली जो है अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में आज के दिन देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे जो वजह है उसका मेन रीजन है कि आज के दिन में यहाँ पे देखिए आप जो है आबू धाबीज टाका में इन्वेस्ट अप टू 2.5 बिलियन डॉलर इन अडानी पावर यूनिट्स। और आज के दिन का यही अपडेट है, यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट और उससे पहले 1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अडानी ग्रुप के अंदर आ चुकी है, यानी कि अडानी पावर के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लगातार स्टॉक पर पड़ रहा है। और यहाँ पे CB की तरफ से भी अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है हिंडनबर्ग मामले के अंदर उसकी सुनवाई भी अभी हमें 23 अगस्त को होने वाली है, यानी कि जो लास्ट रिपोर्ट थी CB की तरफ से वो सबमिट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब उस पर जो सुनवाई है वो 23 अगस्त को हमें होती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर क्लीन चिट अडानी ग्रुप को मिलती है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर भी, स्टॉक्स के ऊपर भी, और वहाँ पे एक बुलिशनेस जो है हमें अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में देखने को भी मिल सकती है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।